गुड़गांव में ज्यादातर कॉलेजेस में एडमिशन की दौड़ शुरू हो गई है और कुछ कॉलेजेस में शुरू होने वाली है। नए सेशन के शुरू होने से पहले ही कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एंटी रैगिंग कमेटी बना ली है और अब रैगिंग को लेकर शिक्षण संस्थानों में सख्त रवैया साफ देखा जा सकता है। साइबर सिटी में नया सेशन शुरू होने के साथ ही एडमिशन के लिए जद्दोजहद भी शुरू हो गई है, लेकिन नए सेशन के साथ ही न्यू कमर्स को रैगिंग की समस्या से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपना रुख जाहिर कर दिया है। शिक्षण संस्थान रैगिंग को लेकर काफी सख्त हो गए हैं। नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी में तो एंटी रैगिंग कमेटी के साथ साथ क्विक एक्शन टीम का भी गठन किया गया है जो कैंपस में अलग अलग जगह निरीक्षण करेगी। हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डायरेक्टिव है बल्कि, उसके अलावा यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, हरियाणा ने अपना एक्ट बनाया हुआ है जो कि एंटी रैगिंग है। ये तीन चीज़ें हमारे पास बिल्कुल सफिशियंट हैं हमारी अपनी हिदायतें बनाने के लिए, और कैसे उनको मिलाना है अपने बाकी स्टूडेंट के साथ में, ये सब उन इंस्ट्रक्शंस के तहत होता है। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग एक अपराध है और इस पर सजा का प्रावधान भी है। रैगिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। रैगिंग करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के मुताबिक रैगिंग करने वाले छात्रों को संस्थान से निकाला जा सकता है। इसके अलावा क्लास से निलंबन, सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाने के साथ साथ जुर्माना, स्कॉलरशिप और दूसरे लाभ भी छीन सकते हैं। संस्थान में किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर रोक और परीक्षा के नतीजों पर रोक। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स को एंटी रैगिंग को लेकर एफिडेविट देना होगा। ETV न्यूज के लिए गुड़गांव से कविता बिश्नोई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मेट्रो न्यूज देख रहे हैं।